24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ लगातार अपडेट देते हुए रुझानों का आपके सामने नजर आ रहे। आपको बता दें फिर से उजियारपुर सीट की बात कर रहे हैं, वहां से नित्यानंद राय पीछे चल रहे। नंदन क्या कहेंगे आप? 5000 से ज्यादा वोटों से नित्यानंद राय पीछे चल रहे हैं, आलोक मेहता वहां से आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। क्योंकि जिस तरीके से नित्यानंद राय को देखा जाए तो नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, वहां से वो पीछे चल रहे हैं और यहां से हो सकता है कि हमने पहले भी कहा था कि कुछ सीटें लॉस हो सकती है एनडीए की, उसमें से उजियारपुर एक दिखता हुआ नजर आ रहा है। कुछ सीटों की और हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी काराकाट का चर्चा करेंगे। काराकाट की बात करते हैं। काराकाट पे जिस तरीके से सुबह से काराकाट बहुत ही गर्म मुद्दा था, काराकाट हॉट सीट था, काराकाट की सीट अभी भी बहुत पेचीदा बनी हुई है। क्योंकि आपको बता देते हैं कि काराकाट जिस तरीके से पहले राजा राम आगे थे, फिर उपेंद्र कुशवाहा आगे हुए, लेकिन फिर से उपेंद्र कुशवाहा आगे और फिर से अभी की बात करें तो राजा राम आगे है। मतलब की काराकाट की जो सीट है वो भी, काराकाट की सीट भी स्थिर नहीं रह रही है, वो भी लगातार घूम रही है, त्रिकोणीय ही घूम रही है। लेकिन वहां पर अभी भी कोई फिक्स चेहरा ऐसा नहीं है कि कोई आगे जा रहा है कहीं पर। अभी तक जो रुझान सामने आया नंदन काराकाट सीट से, तो देखिए कि अभी फिर से पवन सिंह पीछे चल रहे हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह अभी काराकाट का कहना बेहद मुश्किल है। जैसे उजियारपुर की हमने बात की, हमने ये भी कहा कि हो सकता है बीजेपी वहां से सीट लॉस कर सकते हैं नित्यानंद राय के, जो वहां के प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी एनडीए की तरफ से। लेकिन अगर बात करें काराकाट की, तो काराकाट में से अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी सीट लॉस करे, एनडीए सीट लॉस करेगी या फिर महागठबंधन सीट लॉस करेगी, क्योंकि वहां पर काराकाट की स्थिति ही ऐसी बनी हुई है कि कोई ऊपर आ रहा है तो एक घंटे बाद किसी और का नाम सामने आ जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर चल रहा है। आरा पर आते हैं, आरा पर आरके सिंह का हमने कहा कि वर्चस्व है, लगातार सांसद भी रहे आरके सिंह, बहुत केंद्रीय मंत्री, बिजली मंत्री आरके सिंह, वहां से हारना बहुत ही ज्यादा कठिन सवाल बनकर सामने निकल कर आता है। लेकिन आरके सिंह आपको बता देते हैं कि पीछे चल रहे हैं जी। आरा से आरके सिंह हमने बार बार कहा था और एग्जिट पोल भी दावा कर रहे थे कि सारे के सारे कि आरा से आरके सिंह ही निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए कि अभी आरके सिंह काफी अभी देखा जा रहा है पीछे चल रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। क्योंकि कुछ कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से लग रहा था एनडीए निकल जाएगी, इजीली निकल जाएगी, लेकिन वो सीट एनडीए के हाथ से जाती हुई दिख रही। वहीं पर हमने कहा कि कुछ सीटें एनडीए निकाल सकती थी, लेकिन वहां से एनडीए हारती हुई दिख रही है। उसमें से पाटलिपुत्रा की भी सीट आती है, रामकृपाल यादव का क्या है? रामकृपाल यादव वहां से आगे चले, रामकृपाल यादव की बात करें तो रामकृपाल का गढ़ है पाटलिपुत्र, लेकिन इस समय मिशा भारती आगे चली है रामकृपाल से। तो कुछ सीटें हमने कहा था कि 8-10 सीटें लॉस कर सकती है एनडीए यहां पर, लेकिन 8-10 सीट की बात करें तो यहां पर निकलकर सामने तो क्या एनडीए वो पाटलिपुत्र सीट भी उसमें शामिल हो सकती है वो लॉस करने में? क्या कहेंगे नंदन? वो तो रिजल्ट बताएगा ना कि आगे चलकर एनडीए के पाले में जाएगा या महागठबंधन के पाले में जाएगा। हम यहां पर ये कहना चाहते हैं कि कुछ सीट जो एनडीए के पक्ष में ही थी, कुछ सीट जो एनडीए अपने कब्जे में रखी हुई थी, वो यहां से निकलती हुई दिख रही है। जिसमें से आप खगड़िया का क्या कहेंगे? हम लोग जिक्र करते हैं खगड़िया, खगड़िया से राजेश वर्मा आगे चल रहे हैं, वहीं संजय कुमार पीछे चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? लगभग 8000 वोट से राजेश वर्मा आगे है, वहां की बात स्पष्ट दिख रही है। 8000 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है और खगड़िया पे तो सीधा दिख ही रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं, हम आते हैं ना पाटलिपुत्रा पे, पाटलिपुत्रा की जो सीट है वहां से रामकृपाल शुरुआत से लग रहे थे, पब्लिक रिएक्शन भी वहां पर रामकृपाल के आए थे, लेकिन मिशा भारती वहां से अचानक से निकलती हुई सामने नजर आ रही है। मुंगेर की बात करें, ललन सिंह मुंगेर से आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ललन सिंह का वहां पे देख सकते हैं टक्कर का मुकाबला है, मुंगेर भी कह सकते हैं कि वहां पर भी आग गड़ा कर रखने वाला मुंगेर एक सीट है। लेकिन काराकाट और पाटलिपुत्रा ये ऐसी सीट है जो बहुत ही पेचीदा निकलकर सामने आ रहा है। लगातार आपको अपडेट दे भी रहे हैं, जिस तरीके से रुझान है 40 सीटों का बिहार पर, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट किस ओर झुकेगा। क्योंकि अगर हमने बात की एनडीए की, हमने बात की थी कि 40 सीटों में से एग्जिट पोल भी दावा कर रहे थे कि 30 सीटें तक एनडीए ला सकती है, वहीं महागठबंधन भी 7-8 सीटें लाएंगे और 1-2 सीटें जो है वो अन्य के खाते में गिरेंगी। लेकिन अन्य के खाते में सिर्फ एक पप्पू यादव दिख रहे हैं जो पूर्णिया से निकलकर सामने आ सकते हैं, पप्पू यादव खेल पलट सकते हैं। लेकिन पवन सिंह का भी स्थिति थोड़ा लड़खड़ाया हुआ है। क्या कहेंगे? पवन सिंह की जो स्थिति है वहां पर इस तरीके से बनी हुई है कि काराकाट में पवन सिंह का कल तक वर्चस्व दिख रहा था कि पवन सिंह जीत सकते हैं, भीड़ को वोट में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन आज की बात करें, आज कभी राजा राम तो कभी उपेंद्र कुशवाहा तो कभी पवन सिंह, कोई स्थिर नहीं। त्रिकोणीय मुकाबला, असल मायने में त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर हो चुका है। क्या पलटवार काराकाट सीट पे लगातार हो रहा है? देखिए कि शुरू से ही पवन सिंह को पीछे देखा जा रहा है, फिर पवन सिंह आगे होते हुए नजर आ रहे हैं, फिर वहीं पर पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? हमने भी कहा काराकाट की सीट जो है हॉट सीट इसलिए बनी हुई थी, काराकाट का नाम ज्यादातर कोई जानता नहीं था, लेकिन पूरे भारतवर्ष में काराकाट का नाम अगर फैला है तो पवन सिंह की वजह से ही। और आपको हमने बात बताया कि सुबह भी हमने कहा था कि पवन सिंह अगर यहां पीछे चल रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि पवन सिंह को हराने के लिए खुद प्रधानमंत्री काराकाट की धरती पर आए, लोगों को उन्होंने संबोधित किया। यह बहुत बड़ा कह सकते हैं मोदी फैक्टर
कैरेक्टर वहां पे चल सकता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए तुरुप कई का मोदी का आना साबित हो सकता है, क्योंकि वाराणसी का क्या कहेंगे नंदन, बिहार पे भी रहते हैं ना, आएंगे हम वहां पे भी आएंगे धीरे धीरे करके वहां पे आएंगे। पहले बिहार की सीटों पर बात करते हैं, जिस तरीके से कुछ सीटों की हमने चर्चा किया, हमारे साथियों ने भी चर्चा किया कुछ सीटों का, लगातार हम बने हुए हैं और धीरे धीरे करके आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आखिर बिहार में किसकी सीट होगी। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, रुझान जिस तरीके से लगातार बना हुआ है, 40 सीटों पर चर्चा विमर्श हम कर रहे हैं बिहार का, वहीं पर लगातार आपको दिखा रहे हैं कुछ सीटें ऐसी है जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, क्योंकि उन सीटें हमारी भी समझ से बाहर चल रही है, जिसमें काराकाट आ गया, जिसमें आरा आ गया और जिसमें पाटलिपुत्रा भी बना हुआ है। तो धीरे धीरे करके आपको हम खबरें दिखाते रहेंगे और खबरें हम आगे आपको लेके आएंगे अपडेट के साथ। धन्यवाद।